साइड में जो एडॉप्टर होता है, ये एडॉप्टर किसी कारण से स्लिप हो जाता है या लीकेज का प्रॉब्लम होता है, तो एक साइड से कट करके रिपेयरिंग कैसे किया जाता है वो प्रोसेस के लिए हम ये वीडियो है। एंड कट करना पड़ेगा और कट करके दूसरा मशीन में इसको फिर वैसा ही जैसे नया बना हुआ रहता है वैसा टाइप से इसको रिपेयर करके एकदम सही करके दे देना पड़ेगा। ये पाइप तो सही रहता है जिसमें से एक साइड में लीकेज का या प्रॉब्लम या किसी कारण से स्लिप हो जाता है, तो एक साइड कैसे रिपेयरिंग करके और फिर इसे नया ही जैसा रिलीज करना करके और दे दिया जाता है। जैसे कि ये अभी मैंने इसका यहाँ से कट करके निकाल दी है, कट करके निकाल के अब नया इसमें बैठालना है, नया बैठाल के और इसका एक मशीन आता है जो क्रिपिंग मशीन, उसमें इसको सेटिंग करना है, सेटिंग करके बैठा देना है, क्रिपिंग कर देना है। ये इसका नया नट एडॉप्टर निप्पल कैप। अब उसमें इसका प्रोसेस यही रहेगा कि जो एक साइड का हम पुराना ओल्ड वो कट किए हैं ये खराब होने के कारण, ये नया उसकी जगह पे सीट बैठालना है और सेटिंग करके फिर इसे नया रिलीज कर देना है। ये कैप इसमें फिक्स कर दिए, बैठा लिया अच्छे से और उसके बाद इसका काम है ये अडॉप्टर को अंदर पाइप में अच्छे से इसको डालना है। डालने के बाद इसको फिक्स करके वहां पे मशीन के अंदर डालना है। ये फाइनली एक साइड का एडॉप्टर कट करके और ये पाइप में ओल्ड पाइप में नया एडॉप्टर का सेट बैठा दिए हैं और वो सामने मशीन है जिसमें वही सेम प्रोसेस रहेगा जो मेरा पिछले वीडियो में था, वही नट का एडॉप्टर सेटिंग करना है एंड कितने पे प्रेस करना है, क्या पकड़ है वो सब सेटिंग करके मशीन ऑन करना है और 1 से 2 मिनट में ये प्रोसेस रेडी हो जाएगा। फाइनली रेडी कंप्लीट एक साइड रिपेयर। अब ये जैसा ठीक पहला नया पाइप था अब ये वैसा ही सेम ये नया जैसा सर्विस देगा। कभी कभी किसी किसी जगह पे ऐसा होता है कि जो सेट एडॉप्टर खराब हो जाता है एक साइड का, तो नहीं मिलने के कारण बार बार उसी को काट के रिपेयर करते हैं तो सक्सेस होता नहीं। ज्यादातर बेहतर रहता है कि एक साइड का जो एडॉप्टर स्लिप हो गया या किसी कारण से लीकेज हो रहा है तो कट करके नया सीट एक बैठाल देना पड़ता है और जैसे ही हम बैठाल के इसे रिलीज करेंगे फिर नया जैसा सर्विस, मस्त नया जैसा सर्विस